इस जादुई पंखे को कुछ साल पहले तक आप खरीद सकते थे, लेकिन आज आप सिर्फ इसे बना सकते हैं। एक लंबा और पतला कागज लें जिसकी लंबाई 60 सम और चौड़ाई 10 सम होगी। पहले इसे आधा तय करें, फिर चौथाई में मोड़कर, फिर 1/8 में, फिर 1/16 में, और जब आप कागज़ को खोलेंगे तो आपको इसमें सीधी लकीरें हासिल होंगी जो आपका एक तरह का रेफरेंस होंगी। इसके बाद इन लकीरों को निस्प में मोड़ दें। आप जितने ही बारीक मोड़ेंगे उतना ही अच्छा आपका पंखा बनेगा। इसके दोनों सिरों में एक एक धागा चस्पा कर दें। इसके बाद में एक कागज़ लें 20 सम और इसे एक मोटे स्ट्रॉप पर रख कर एक गोल लपेटें और इसके आखिरी सिरे पर एक टेप लगाकर चस्पा कर दें। अंदर से स्ट्रॉप बाहर निकाल लें जो सिलेंडर बना है। इसके दोनों सिरों को सीधा काट लें। इसके बाद में एक सिलेंडर बनाएं जिसमें हरे कागज़ लगे हैं, जिसके अंदर आपका सिलेंडर आसानी से अंदर बाहर हो सके। फिर आप अपना पंखा लें, इसके सारे तहों को करीब लाएं और इसके एक सिरे को बेलन नुमा में दाखिल कर लें और पंखा सिलेंडर से बाहर न निकले इसलिए गोंद से मजबूती से चस्पा कर लें। इसके बाद सिलेंडर को अंदर डालें और पंखे को खोलें। दोनों सिरों को सिलेंडर पर लाएं और उन्हें टेप से चस्पा कर दें। अब आपका पंखा तैयार है। एक हाथ से सिलेंडर को पकड़ें और सिलेंडर को ऊपर नीचे करेंगे तो पंखा खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। आप चाहें तो इस पर कोई पैगाम भी लिख सकते हैं। है ना मज़ेदार खिलौना।